बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कैलकुलस विद एनालिटिक ज्योमेट्री फॉर बीएससी एंड फॉर बीएस ऑनर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 1, रियल नंबर्स, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटीज। इनइक्वालिटीज। एग्जांपल 3, सॉल्व। फर्स्ट पार्ट, 3x + 5 इज लेस देन x माइनस 7। सेकेंड पार्ट, 5x + 6 होल मोड इज ग्रेटर इक्वल टू 5। सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट, 3x + 5 इज लेस देन x माइनस 7, इसको 1 कह दीजिए। भाई इसको सोल्व करना है, इसका सॉल्यूशन निकालो। भाई 3x + 5 इज लेस देन x माइनस 7, इसको 1 कह दें। भाई यहाँ पे सिंगल इनइक्वालिटी है, यहाँ पे कह दी सिंगल इनइक्वालिटी। देखें यहाँ पे डबल इनइक्वालिटी है, यहाँ पे सिंगल इनइक्वालिटी। यहाँ पे डबल है ना, ये वाला ग्रेटर इक्वल, यहाँ पे सिंपल लेस है। अब हम सिंपल सिंगल इनइक्वालिटी को डिस्कस कर रहे हैं, इसको 1 कह दें। एसोसिएटेड इक्वेशन, भाई इनइक्वालिटी को उड़ा के वहाँ पे इक्वल लिख दें जी। एसोसिएटेड इक्वेशन किस तरह बनेगी, ये इनइक्वालिटी उड़ा के इसकी जगह पर भाई जनाब ने क्या डालना, इक्वल। हमेशा जब भी इनइक्वालिटी का क्वेश्चन होगा उसको कोई लेबल लगा दें 1, उसके बाद एसोसिएटेड इक्वेशन क्या बनेगी, इसकी जगह पे इक्वल डाल दें। अब यहाँ से आप कैलकुलेशन करके एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए। एक्स की वैल्यू निकली -6। देखो ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, तो 2x बराबर होगा -12 है, तो एक्स क्या होगा -6। भाई एसोसिएटेड इक्वेशन, भाई इनइक्वालिटी को उड़ा के उसकी जगह पर इक्वल डाल दें जी। भाई इनइक्वालिटी को उड़ा के उसकी जगह पे क्या डाल दें, इक्वल जी। तो भैया यहाँ से आपने हल करके एक्स इज इक्वल टू -6 निकलाया जी। भाई एक्स इज इक्वल टू क्या निकलाया, -16 जी। भाई जन सबसे पहले यहाँ पे सिंगल इनइक्वालिटी है, इसको 1 कह दें। एसोसिएटेड इक्वेशन का मतलब होगा इसको उड़ा के उसकी जगह पे इक्वल डाल दें, इसको हल करेंगे एक्स की वैल्यू -6 निकलेगी जी। भजन ये रियल लाइन हमारे पास है, ये क्या है जी, रियल लाइन हमारे पास है। भाई इसके ऊपर ये -6 यहाँ पे होगा जी, इधर अगर ओरिजिन हो तो ओरिजिन से लेफ्ट पे क्या होगा जी, -6। भाई अगर यहाँ पे ओरिजिन है तो लेफ्ट साइड पे क्या होगा जी, -6। तो इस एरिया को आपने ए कह दिया, इसको क्या बोल दिया, बी जी। तो लिख सकते विच इज़ दी बाउंड्री नंबर, विच इज़ दी, वो जो एक्स इज इक्वल टू -6 निकला वो क्या लिखेंगे, विच इज़ दी बाउंड्री नंबर फॉर गिवन इनइक्वालिटी। भाई विच इज़ दी बाउंड्री नंबर फॉर गिवन इनइक्वालिटी, दिस नंबर डिवाइड्स नंबर लाइन इनटू डिफरेंट रीजन एज। भैया दिस नंबर डिवाइड नंबर लाइन या रियल लाइन इनटू डिफरेंट रीजन एज ए एंड बी। भाई रीजन ए के लिए आप इस हदूद में से कोई एक नंबर ले लें। भाई ए में से कोई ले ली, मैंने पुट एक्स इज इक्वल टू -7 रखा। भाई -7 ले लो, -8 ले लो, -9 ले लो, कोई एक लेके आप उसको 1 में दर्ज करें, वो जो स्टार्ट किया था। आप जहाँ जहाँ एक्स है -7 पुट करो, भाई रकम में पुट करोगे ना तो आपका हल करने के बाद -16 इज लेस देन -14 आ गया, विच इज़ ट्रू। भाई -16 -14 से क्या होता है, छोटा होता है जी, या -14 भैया -16 से क्या होता है जी, बड़ा। देखो ना आपने x इज इक्वल टू -7 1 मसावात थी जो ऊपर आपने क्वेश्चन में स्टार्ट किया था, तो वह जहाँ जहाँ x है -7 पुट करो, वो 3x था, तो भैया 3 -7 + 5 वो x -7 था, तो भैया -7 -7 वी गेट -16 इज लेस देन -14 विच इज़ ट्रू। नो टेक रीजन बी, आप इसमें से 0 ले लो। अच्छा भाई -7 की बजाय -8 भी ले सकते हो, -9 भी ले सकते हो, -10 भी ले सकते हो, कोई नंबर ले लो। अगर ये ए के लिए ट्रू है तो उस रीजन में सब के लिए ट्रू होगा जी। भाई अगर ए के लिए ट्रू है तो उस रीजन में सब के लिए क्या होगा, ट्रू होगा। अगर ए के लिए फ़ाल्स होगा तो सब के लिए फ़ाल्स होगा, इसलिए ये टेंशन वाली बात नहीं कि -7 लें, -8 लें, -9 लें, -100 लें ना, जो दिल करते हैं। रीजन बी के लिए वी सेलेक्ट एक्स इज इक्वल टू 0 इन 1 जी। भाई 1 जो मसावात ऊपर स्टार्ट में की, तो भाई आप जरा देखें ये पुट करने के बाद आफ्टर कैंसिलेशन वी गेट 5 इज लेस देन -7। भाई 5 इज लेस देन -7 विच इज़ फॉल्स, भाई विच इज़ फॉल्स, भाई विच इज़ फॉल्स।
अब भैया देखो, ये ए वाला आपका ट्रू है, बी वाला फाल्स है, फाल्स को तो आप निकाल दो, ए चाहिए भैया ना, हमें क्या चाहिए थी, ए चाहिए थी, ए हमारा है। अब सॉल्यूशन सेट क्या होगा भाई, सॉल्यूशन सेट किस तरह लिखेंगे जी? आप अभी ये वाला स्टाइल सीखें, अभी ये वाला स्टाइल सीखें, इसको भी रहने दो भाई, सॉल्यूशन सेट क्या होगा जी? भाई आपके पास है माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस सिक्स तक, भाई माइनस इन्फिनिट से लेके, भाई माइनस इन्फिनिट से लेके प्लस इन्फिनिट तक, माइनस सिक्स तक, ये आपका ट्रू वैल्यू। तो आप लिखेंगे माइनस इन्फिनिट से लेके माइनस सिक्स तक, भाई माइनस इन्फिनिट से लेके माइनस, अब ये है ओपन इंटरवल, इन्फिनिट के ऊपर, इन्फिनिट के ऊपर और माइनस इन्फिनिट के ऊपर हमेशा ओपन इंटरवल डालते हैं भाई, इन्फिनिट के ऊपर और माइनस इन्फिनिट के ऊपर हमेशा क्या डालते हैं, ओपन इंटरवल। और भैया ये माइनस सिक्स के ऊपर, चूँकि वहाँ पर सिंगल इनइक्वालिटी थी ना, क्या थी, सिंगल इनइक्वालिटी, सिंगल इनइक्वालिटी की वजह से आप क्या डालेंगे जी, इसके ऊपर ओपन इंटरवल। देखें पहला नुक्ता आप जो ध्यान में रख रहे हैं, इन्फिनिट और माइनस इन्फिनिट के ऊपर हमेशा ओपन इंटरवल भाई, इन्फिनिट और माइनस इन्फिनिट के ऊपर हमेशा ओपन इंटरवल भाई, इन्फिनिट और माइनस इन्फिनिट के ऊपर हमेशा क्या होगा जी, ओपन इंटरवल। चूँकि क्वेश्चन में सिंगल इनइक्वालिटी थी तो माइनस सिक्स के ऊपर क्या होगा, हमेशा ओपन इंटरवल भाई। ये नुक्ता याद रखिएगा, अगर सिंगल इनइक्वालिटी हो तो हमेशा क्या आएगा, ओपन इंटरवल जी, और इन्फिनिट माइनस इन्फिनिट के ऊपर तो हमेशा आएगा ही ओपन इंटरवल जी। तो भाई ये हमारा सॉल्यूशन सेट, ये भी स्टाइल होता है, एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट एक्स इज लेस देन माइनस सिक्स, लेकिन फिर वक्त मैं इसको ज़रा फोकस करूँगा ताकि ज़रा ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो भाई क्या होगा, माइनस इन्फिनिट से माइनस सिक्स तक, माइनस इन्फिनिट के ऊपर ओपन और माइनस सिक्स के ऊपर ओपन, क्यों, क्योंकि ये सिंगल इनइक्वालिटी है भाई। देखो ना, रीजन बी आपका ट्रू है तो सॉरी ए आपका क्या है जी, ट्रू है, माइनस इन्फिनिट से लेकर माइनस ए ट्रू है, ये फॉल्स है, फॉल्स को तो हम डिस्कस ही ना करेंगे हम भाई, किसको डिस्कस करेंगे। अच्छा इससे ना बंदा कन्फ्यूज हो जाता है सॉल्यूशन सेट से, बस सिंपल, यू हैव माइनस इन्फिनिटी टू माइनस सिक्स दोनों लिख दें, आप इसके ऊपर क्लोज या ओपन ये सूट कर, कौन सा करते हैं, माइनस इन्फिनिट के ऊपर आपने हमेशा ओपन डाला जी भाई, वहाँ माइनस सिक्स के ऊपर अब आपने फैसला करना है, वहाँ पे थी सिंगल इनइक्वालिटी, वजन क्या थी, क्योंकि इन क्वेश्चन में सिंगल इनइक्वालिटी चलती आ रही है ना, तो भाई सिंगल इनइक्वालिटी को तो हमेशा ओपन इंटरवल आएगा जी। नो सेकेंड पार्ट, फाइव एक्स प्लस सिक्स का होल मोड इज़ ग्रेटर इक्वल टू फाइव, इसको वन कह दें, इसको आपने क्या कह दिया, वन, जिसका पिछले क्वेश्चन में, और यहाँ पर डबल इनइक्वालिटी है भाई, जन क्या है, डबल इनइक्वालिटी, बस ये याद रखिएगा भाई, यहाँ पर क्या है, डबल इनइक्वालिटी, एसोसिएटेड इक्वेशन क्या होगा जी, ये इनइक्वालिटी बढ़ा के इक्वल डाल दीजिए, तो क्या होगा, फाइव एक्स प्लस सिक्स का मोड इज इक्वल टू सिक्स भाई, एसोसिएटेड इक्वेशन में क्या करना है, इनइक्वालिटी को बढ़ा के इसका इक्वल डाल देना भाई जन, अब है डबल इनइक्वालिटी, क्या है, डबल इनइक्वालिटी। तो भैया वहाँ पे था पिछले में सिंगल, एसोसिएटेड इक्वेशन में इक्वल डाल देंगे जी भाई जन, मोड उतारेंगे तो प्लस माइनस आ जाएगा भाई, मोड उतारेंगे तो प्लस माइनस, एक तरफ प्लस लिखने, एक तरफ माइनस भाई, प्लस माइनस या इधर लगा लो या इधर लगा लो, एक ही बात है जी। तो भाई जन आप ज़रा गौर से देखें, इसको हल किया तो एक्स निकला माइनस वन बाय फाइव, एक्स निकला माइनस वन बाय फाइव भाई जन, या माइनस लगाओगे इसको मल्टीप्लाई करके एक्स की वैल्यू निकलेगी माइनस इलेवन बाय फाइव, ये माइनस वन बाय फाइव, ये माइनस इलेवन बाय फाइव। तो आप देखें कि हमारे पास ये ओरिजिन है, यहाँ पे माइनस वन बाय फाइव होगा, यहाँ पे माइनस इलेवन बाय फाइव होगा, तो तीन रीजन बनेंगे ए बी एंड सी, ये होगा ना पॉइंट टू समथिंग, माइनस पॉइंट टू, और ये माइनस टू पॉइंट समथिंग जी, ठीक है जी। तो लिखेंगे दीज आर दी बाउंड्री नंबर्स फॉर गिवन इनइक्वालिटी भाई, दीज आर दी बाउंड्री नंबर्स फॉर गिवन इनइक्वालिटी, दीज नंबर डिवाइड नंबर लाइन इनटू डिफरेंट रीजन एज ए बी एंड सी भाई, देखो ओरिजिन है ना भाई, इस तरफ ए होगा, ये बी होगा, इसको तीन लेबल लगा दो जी, ए बी एंड सी। आप रीजन ए के लिए आपने इसमें इस हदूद में से कोई नंबर लेने, आपने माइनस थ्री लिया जी भाई, एक्स इज इक्वल माइनस थ्री ले लो, माइनस फोर ले लो, माइनस फाइव, आपकी मर्जी है जी। अच्छा अगर एक ने ट्रू करना तो सब ट्रू करेंगे, अगर एक फॉल्स करेगा तो सब, ये नहीं होगा कि उस हदूद में आप एक हदूद में कुछ फॉल्स कर दें कुछ ट्रू कर दें, ऐसा नहीं होगा, ये डन है जी। इसको पुट इन वन किया जी भाई, जहाँ जहाँ एक्स है वही पुट माइनस थ्री इन वन, तो भाई वी गेट नाइन इज ग्रेटर इक्वल टू फाइव भाई, नाइन इज ग्रेटर इक्वल टू फाइव, तो ट्रू है जी। तो भैया पहला रीजन आपका ओके ट्रू भाई, पहला रीजन आपका क्या है, ट्रू
अब भैया बी चेक करते हैं जी, भैया फॉरिजन बी पुटेक्स इज इक्वल टू माइनस वन, भाई इसके दरमियान माइनस वन होगा जी, जहाँ जहाँ एक्स है माइनस वन रखें इन वन में जी। भाई आप जरा देखिएगा, जब माइनस वन रखेंगे तो वन इज ग्रेटर इक्वल टू फाइव, फाइव का फॉल्स, तो भैया फॉल्स में हमारा कोई ताल्लुक नहीं है जी, भाई बी रीजन फॉल्स है उसका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है, हमारा ताल्लुक भैया किसके साथ है, ट्रू के साथ। अब पुट एक्स इज इक्वल टू जीरो इन वन, सी रीजन में भाई उस जीरो लेने जरा आसान सा है, वन में दर्ज करेंगे जहाँ जहाँ एक्स होगा जीरो पुट करें तो सिक्स इज ग्रेटर इक्वल टू फाइव फाइव भाई सिक्स विच इज टू जी, तो आपका ए और सी ट्रू है जी, भाई जन ए और सी क्या है ट्रू है जी, भाई ए और सी क्या है ट्रू। तो भाई जरा देखिएगा माइनस इन्फिनट से लेकर माइनस इलेवन बाय फाइव ये ए रीजन, भाई माइनस इन्फिनट से लेकर माइनस इलेवन बाय फाइव, इन माइनस इन्फिनट के ऊपर हमेशा ओपन आएगा जी, माइनस इन्फिनट के ऊपर हमेशा क्या आएगा ओपन, और चूंकि डबल ही नहीं क्वालिटी थी ज़्यादा इसके ऊपर क्या आएगा क्लोज। भैया सी रीजन क्या माइनस वन बाई फाइव से लेकर इन्फिनट तक जी, भाई सी रीजन था माइनस वन बाई फाइव से लेकर इन्फिनट तक, इन्फिनट के ऊपर तो हमेशा ओपन आएगा जी, भाई इन्फिनट के ऊपर हमेशा क्या आएगा, अब चूंकि डबल ही नहीं क्वालिटी थी तो इसके ऊपर क्या आएगा क्लोज इंटरवल जी, भाई डबल ही नहीं क्वालिटी थी इसके ऊपर क्या आएगा क्लोज इंटरवल जी, भाई जन डबल इनक्वालिटी थी इसके ऊपर क्या आएगा क्लोज इंटरवल जी। जी नेक्स्ट एग्जांपल फाइव, फर्स्ट पार्ट एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इज लेस देन जीरो, सेकेंड पार्ट एक्स स्क्वायर मनफी टू एक्स प्लस टू ग्रेटर इक्वल टू जीरो। भैया हमने पहला पार्ट हल करना है, एस आप इसको वन कह दें, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इज लेस देन जीरो इज वन, इसको वन कह दें भैया, हमेशा इसको आपने क्या बोलना है वन। अब भैया एसोसिएटेड इक्वेजन इज, एसोसिएटेड इक्वेजन इज भाई इन इक्वालिटी उड़ा के इक्वल डाल दो जी, भाई एसोसिएटेड इक्वेजन क्या होगा इन इक्वालिटी, ठीक है जी, उड़ा के उसकी जगह पे डाला इक्वल जी, भाई इन इक्वालिटी उड़ा के इक्वल डाला, इसको हल किया तो एक्स के दो वैल्यू निकलेंगे दो और तीन जी, भाई दो वैल्यू निकलें विच आर बाउंड्री नंबर्स फॉर गिवन इन इक्वालिटी, ये बाउंड्री नंबर्स हैं, बाउंड्री नंबर्स का मतलब है उसको अलग करते हैं, बाउंड्री नंबर्स फॉर गिवन इक्वालिटी दीज नंबर्स डिवाइड नंबर लाइन इन टू डिफरेंट रीजन एज, भाई दीज नंबर्स डिवाइड नंबर लाइन इन टू डिफरेंट रीजन एज जी। भाई जान ये ए है ये बी है ये सी, भाई टू थ्री था ना ये ए ये बी और सी, आप देखें कि हमने ए में ये पूरी हदूद है, बी में ये हदूद है और सी में ये हदूद है जी। भाई इधर देखिएगा ए में ये हदूद, बी में ये हदूद और सी में ये हदूद, नो प्लीज पुट एक्स इज इक्वल टू जीरो इन वन, भाई वन जो मसावात थी तो सिक्स इज लेस देन जीरो आ गया विच इज़ फॉल्स, जो फॉल्स होगा उसका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है जी। भैया रीजन बी के लिए पुट एक्स इज इक्वल टू फाइव बाई टू, भाई फाइव बाई टू होगा ना टू पॉइंट फाइव, टू पॉइंट फाइव इसके दरमियान कहीं होगा जी, भैया आप टू पॉइंट वन ले लो, टू पॉइंट टू ले लो, टू पॉइंट थ्री ले लो, टू पॉइंट फाइव ले लो, टू पॉइंट सेवन कोई एक ले लो जी, क्योंकि दो नंबर्स के दरमियान इन्फिनिट नंबर्स होते हैं, दो नंबर्स के दरमियान क्या होते हैं जी, आपने इन वन रखा जहाँ जहाँ एक्स था क्योंकि वहाँ पे सिंगल इनक्वालिटी थी, भाई आपने हल किया तो माइनस वन बाई फोर इज लेस देन जीरो आ गया ये टू है, भाई बी रीजन इज ट्रू, भाई ए इज फॉल्स एंड बी इज ट्रू। अब सी के लिए फोर ले लें फाइव ले लें, तो रीजन सी के लिए क्या करें पुट एक्स इज इक्वल टू फोर इन वन, तो भाई जन हल करने के बाद टू इज लेस देन जीरो भैया फॉल्स है जी, भजन क्या है फॉल्स है। अब फॉल्स का मतलब है कि भैया इसका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है, लिहाजा आप देखें कि भैया ये फॉल्स यानी कि ए भी फॉल्स सी भी फॉल्स सब बी ट्रू है, और वो टू से लेके कहाँ तक है थ्री तक, और भैया क्वेश्चन में हमारे पास जो इनइक्वालिटी थी वो सिंगल इनइक्वालिटी थी, तो सॉल्यूशन सेट जो लिखेंगे भैया वो क्या होगा टू से थ्री, भाई सॉल्यूशन सेट जो लिखेंगे टू थ्री, और भैया यहाँ पे ओपन इंटरवल आएगा, क्यों बोला क्योंकि सिंगल इनइक्वालिटी है, क्योंकि भाई कितनी इनक्वालिटी है सिंगल इनक्वालिटी, वी हैव सिंगल इनक्वालिटी, भाई टू थ्री लिखेंगे क्योंकि ट्रू है, तो भैया चूंकि सिंगल इनक्वालिटी तो क्या आएगा ओपन इंटरवल। नो सेकंड पार्ट वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टू इज ग्रेटर देन जीरो, इसको वन कहते हैं जी, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी, ये कई दफ़ा पेपर में क्वेश्चन बच्चों को दिया लेकिन बच्चों से हैंडल नहीं होता, उसकी मैं रीज़न बताता हूँ। फिलहाल आपने मैथड वही है, तरीक़ेकार वही है, सिर्फ जो है ना वो इसको आपने स्पेशल टाइम देना, भाई एक्स स्क्वायर मनफी टू एक्स प्लस टू इज ग्रेटर देन जीरो, ये सिंगल इनइक्वालिटी क्या है,
सिंगल इनइक्वालिटी, भाई एसोसिएटेड इक्वेशन में इसको उड़ा के इक्वल टू जीरो कर देंगे, इसको हमने वन कह दिया जी। जी भाई जन एक्स इज इक्वल क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इस्तेमाल किया, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर मनफी फोर इसका टू है, तो आया वन प्लस माइनस आई ओटा जी। भाई ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया जी, भाई वन प्लस माइनस आई ओटा, भाई आप उसके जोड़े नहीं बनते थे, आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल किया, वो क्या होता है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस जदर के अंदर बी स्क्वायर माइनस फोर इसका टू है जी। अब भैया विच आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, विच आर दो है ना प्लस वाला और माइनस वाला, विच आर कॉम्प्लेक्स नंबर एंड कैनॉट बी रिप्रेजेंटेड ऑन रियल लाइन, उसको भैया आप रियल लाइन पर शो नहीं कर सकते। भाई रियल लाइन के ऊपर कोई रियल नंबर शो होगा ना, रियल लाइन के ऊपर कोई रियल नंबर शो होगा। दस देर आर नो बाउंड्री नंबर्स, भैया उसकी कोई हदूद नहीं बनेगी। वी हैव ओनली वन रीजन, वी हैव ओनली वन रीजन द होल रियल लाइन, पूरी रियल लाइन आपके पास है भैया, यहाँ पर बाउंड्री कोई नहीं है। अब दो है या हेड आएगा या टेर आएगा जी, भैया पूरी रियल लाइन आपके पास, उसको आपने चेक करना है जी, दी होल या एंटायर रियल लाइन। आपने कोई एक नंबर ले लें, जीरो ले लें, वन ले लें, टू ले लें, आपकी मर्जी है, पुट एक्स इज इक्वल वन इन वन जी। तो भाईजान हल करेंगे तो वन इज ग्रेटर दैन जीरो आ गया विच इज़ टू, और भाईजान अगर एक ने ट्रू कर दिया ना फिर सारे ट्रू करेंगे, ये नहीं होगा कि जनाब कुछ ट्रू कर दें कुछ फॉल्स कर दें, ऐसा नहीं होगा, ये इसकी जो है ना वो कह लें कि शान के खिलाफ है जी। भाई अगर एक ने ट्रू कर दिया तो फिर सारे, मैंने वन रखा आप टू रख के देखो, थ्री रख के देखो, फोर रख के देखो, फाइव रख के देखो, माइनस वन रख के देखो, माइनस टू, आपकी मर्जी है। दस द सेट ऑफ रियल रियल नंबर इज़ द सॉल्यूशन सेट, भाई पूरी जो ना रियल लाइन जो होगी ना वो क्या होगा सॉल्यूशन सेट होगा, क्योंकि ट्रू है ना, या आप यूँ कह लें माइनस इन्फिनिट से लेके इन्फिनिट तक, भाई माइनस इन्फिनिट से लेके प्लस इन्फिनिट तक, या इसको यूँ लिख लें माइनस इन्फिनिट से लेके बाईजन इन्फिनिट तक, और इन्फिनिट और माइनस इन्फिनिट के ऊपर क्या होगा हमेशा द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, या माइनस इन्फिनिट से लेके प्लस इन्फिनिट तक। बाई एग्जाम्पल फाइव एक्स स्क्वायर मनफी टू ओवर वन मनफी टू एक्स इज ग्रेटर देन वन, इसको वन कह दीजिए। भाईजान यहाँ पर सिंगल इनइक्वालिटी है, भाईजान यहाँ पर कह रही हूँ सिंगल इनइक्वालिटी, भाईजान ये स्पेशल क्वेश्चन है जी, भाई ऊपर भी एक्स है बटे में भी एक्स है जी, ये वाहत क्वेश्चन हमने जितने भी चार पार्ट पढ़े हैं ये पांचवें बटे में एक्स है जी। तो भैया एसोसिएटेड इक्वेशन में क्या होगा जी, भाई इनइक्वालिटी उड़ा के इक्वल डाल दें जी, भाई इनइक्वालिटी डाल के उसकी जगह पे क्या डाल दें इक्वल जी। तो भाई इसको हल करें ना भाई, इसके जोड़े बनाएं, इसको क्रॉस करें, आपकी मर्जी है जी। हल करने के बाद एक्स की वैल्यू निकली वन और भाई जान माइनस थ्री, विच आर बाउंड्री नंबर्स, विच आर, भाई इसको हल करो ना यार, ये जोड़े छोड़े बना के वन और माइनस थ्री, विच आर बाउंड्री नंबर्स फॉर गिवन इनइक्वालिटी। भाई अभी मैं आपसे ये शेयर करता हूँ, नोट दैट एक्स इज इक्वल टू वन बाई टू इज़ द फ्री बाउंड्री नंबर, भाई ये जो होगा ना वन बाई टू ये फ्री बाउंड्री नंबर, वो सिंपल बाउंड्री नंबर है, ये फ्री बाउंड्री नंबर। दीज नंबर डिवाइड द नंबर लाइन या रियल लाइन इन टू डिफरेंट रीजन एज, भाई एक आपका माइनस सी था, एक वन बाई टू है, एक वन है, तो रीजन बनेंगे ए बी सी एंड डी, भाई रीजन बनेंगे ए बी सी एंड डी। भैया ये आपके बाउंड्री नंबर्स हैं और ये फ्री बाउंड्री नंबर, भैया ये आपके बाउंड्री नंबर्स हैं ना, ये फ्री इसलिए बोला क्योंकि ये हमने डायरेक्ट रकम से निकाला जी, भाई जो डायरेक्ट रकम से निकालेंगे बगैर सिंप्लीफिकेशन के वो फ्री बाउंड्री नंबर होगा, जो हल करके निकालेंगे वो बाउंड्री नंबर्स होंगे जी। भजन देखें ये बटे में वन मनफी टू एक्स है जी, बटे में क्या वन मनफी टू एक्स, जब वन मनफी टू एक्स को जीरो पुट करेंगे, वन मनफी टू एक्स इज इक्वल टू जीरो, वन इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स इज इक्वल टू वन बाई टू, ये जो रकम से एक्स की वैल्यू निकलेगी ना उसको बोलते हैं फ्री बाउंड्री नंबर, भाई जो रकम में से एक्स की वैल्यू निकलेगी उसको बोलेंगे फ्री बाउंड्री नंबर, और ये उस वक्त निकलेगी जब बटे में वेरिएबल होगा, जब बटे में क्या होगा जी वेरिएबल होगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा जी। भाईजान इसकी पहचान है कि बटे में क्या होगा एक्स होगा, जब रकम में बटे जब रकम बटे में हो और बटे में वेरिएबल हो, एक्स वाली रकम हो, तो वहाँ से फ्री बाउंड्री नंबर किस तरह निकलेगा, ये बटे वाली रकम को जीरो पुट करेंगे, वन मनफी टू एक्स को जब जीरो पुट करेंगे ना भैया, वन मनफी टू एक्स को जब जीरो पुट किया
तो वन इज इक्वल टू एक्स निकला जी, तो एक्स निकलाया वन बाय टू। भजन ये आपका फ्री बाउंड्री नंबर होगा, ये आपका क्या होगा जी, फ्री बाउंड्री नंबर्स। और बाकी जो इसको हल करके निकलते हैं वो आपके बाउंड्री नंबर्स निकलते हैं जी। भजन आपके रीजन बन गए ए बी सी एंड डी। अब आपने रीजन ए लिया, इस हदूद में से कोई एक नंबर लेना, पुट एक्स इज इक्वल टू माइनस फोर इन वन जी, वन में रखें तो आपका आ गया 14 ओवर 9 इज ग्रेटर देन 1 विच इज़ ट्रू। भाई ये कैलकुलेशन आप खुद कर लीजिएगा, ये ट्रू है, ए रीजन इज ट्रू। नो रीजन बी पुट एक्स इज इक्वल टू 0 इन 1, तो माइनस 2 इज ग्रेटर देन 1 जी, ये फॉल्स है। तो जो फॉल्स होगा उसके साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। रीजन सी पुट एक्स इज इक्वल टू 3/4, भाई पुट एक्स इज इक्वल टू 3/4, देखो ना 3/4 कहाँ पे होगा भाई, 0.75 जी इन 1 जी, इन वन जी। भाई जन स्टेप बाय स्टेप करें, इसका स्केयर खोलें, एलसीएम ले लें, सिंप्लीफाई किया, हल करने के बाद हमारे पास आ गया 23/8 इज ग्रेटर देन 1 विच इज़ ट्रू। भैया सी रीजन भी ट्रू है, आपका ए भी ट्रू था, बी फॉल्स था, सी ट्रू है जी। भाई रीजन डी के लिए पुट एक्स इज इक्वल टू इन वन जी, तो भाई जन ये क्या निकला, -2/3 इज ग्रेटर देन 1 विच इज़ फॉल्स। भाई फॉल्स के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है जी, आपका ए ट्रू है और सी ट्रू है जी। भाई जन आपका ए ट्रू है और सी ट्रू है, बाकी फॉल्स के साथ हम कुछ नहीं कह सकते जी। सॉल्यूशन सेट एक में क्या होगा, -∞ से लेकर -3 तक। -∞ के ऊपर हमेशा ओपन आएगा जी, -∞ के ऊपर क्या होगा, हमेशा ओपन आएगा। और -3 के ऊपर ओपन इसलिए आएगा क्योंकि सिंगल इनइक्वालिटी थी, भजन क्या थी, सिंगल इनइक्वालिटी थी। और भजन 1 के ऊपर ओपन इसलिए आया था कि सिंगल इनइक्वालिटी है। और 1/2 के ऊपर ओपन इसलिए डाला है कि भैया ये फ्री बाउंड्री नंबर है, फ्री बाउंड्री नंबर जो होगा उसके ऊपर भी हमेशा ओपन इंटरवल आएगा जी। मैं कोशिश करता हूँ इसको मज़ीद एक्सप्लेन करूँ, ठीक है जी। बस ये ज़रा याद रखिएगा भजन, ज़रा देखिएगा आपके पास जो है ना, ये -∞ के ऊपर हमेशा ओपन, सिंगल इनइक्वालिटी के ऊपर ओपन, फ्री बाउंड्री नंबर के ऊपर ओपन, और भैया सिंगल इनइक्वालिटी की वजह से ओपन जी। भाई इसका दूसरा स्टाइल ये भी है, फिल वक्त आप इसको ज़रा लर्न करें, -∞ के ऊपर ओपन, -3 के ऊपर सिंगल इनइक्वालिटी ओपन, 1/2 फ्री बाउंड्री नंबर इसके ऊपर ओपन, और 1 के ऊपर भैया क्या ओपन, ये आपका सिंगल इनइक्वालिटी करिए।